Hello and welcome to your channel for creative studies. So, we would be doing uh, a review of how the questions might come of BEGG 174 course that is of uh, creative writing. So, I have just taken the question paper of the assignments and then we will directly go on to block 3 and 4. So, just see this like kinds of travel writing, role of sound effects. You should go through your assignments as well. Theke? डिस्कस सम वेज़ इन विच यू कैन मेक शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग ठीक है शॉर्ट स्टोरी कैसे करके आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो टी वी प्रोग्राम्स ऑफ चिल्ड्रेन ठीक है क्रिएटिव राइट राइटर का बेसिक गाइडलाइंस क्या है ठीक है प्लेगरिज्म हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग इलास्टेट विथ एग्जाम्पल्स ठीक है तो ये हम लोग पढ़ेंगे और प्लेगरिज्म आपका बी जी जी वन सेवेंटी थ्री का भी कोर्स में भी है प्लेगरिज्म और कॉपी राइट लॉ कैसे करके वो बचाता है एक राइटर uh, को प्लेगरिज्म एक क्राइम है ठीक है Uh, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या है ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी में है कि गिवन बिलो आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी कम्प्लीट द स्टोरी इन फाइव हंड्रेड वर्ड्स ईच गिवेन इन एट अटेबल टाइटल तो एक शॉर्ट स्टोरी बोल सकता है या पोएम बोल सकता है कम्पलीटेड फिर राइट अ फीचर ऑफ इन फाइव हंड्रेड वर्ड्स तो फीचर राइटिंग भी आ सकता है तो फीचर राइटिंग देख लीजिएगा आप फिर राइट अ नेचर पोएम ऑफ टेन टू फोर्टीन लाइन्स तो नेचर पोएम भी आपको बोल दे सकता है या लव पोएम भी दे सकता है तो पोएम के लिए आप रेडी रहिएगा क्योंकि ये क्रिएटिव एस्पेक्ट है तो आ सकता है फिर स्ट्रक्चर टी वी एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन तो यह थर्टी सेकेंड होता है ये आपका बी जी जी वन सेवेंटी वन कोर्स का भी सेम चीज था थर्टी सेकेंड वन शार्ट वीडियो ठीक है राइट अ ट्रैवल आर्टिकल अबाउट योर होम टाउन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू विज़िट इट तो ट्रैवल आर्टिकल या ट्रेवलॉग ट्रा, इसके बारे में हम लोग क्लास क्लास में भी डिस्कस किए थे कि ट्रैवलॉग क्या होता है तो जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें वो बता दिया गया है तो आप देख लीजिएगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेपर को ठीक है ब्लॉक थ्री से स्टार्ट करते हैं और ब्लॉक थ्रू आपका बहुत सारा चीज़ कॉमन है आपका बी जी जी वन सेवेंटी वन कोर्स है क्योंकि वो मीडिया के ऊपर में है उसकी मैस सेक क्योंकि ये सब कोर्सेस सब रिलेटेबल है सिंट्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत सारा चीज़ कॉमन है तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो जस्ट थोड़ा सा समझा के मैं इसको ओवरव्यू दे दूँगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आप लोग को समझा पाऊँ तो ठीक है ये एस एफ एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए रेडियो रेडियो का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है तो रेडियो कैसे करके हुआ था सब्सटेंस ऑफ रेडियो प्रोग्रामिंग एंटरटेनमेंट है आप लोग सब रेडियो सुने होंगे एंटरटेनमेंट ये होता है लाइक विविध भारती है क्लासिकल वेस्टर्न म्यूज़िक है आई थिंक सो बहुत सारे जन रेडियो में म्यूज़िक सुनते होंगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लाइक ऑल इंडिया ए आई आर का है ठीक है आकाशवा आकाशवाणी चैनल भी है फिर बी बी सी चैनल है रेडियो से रेडियो फर्स्ट मीडियम था मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेशली uh, जो uh, जो विदाउट कनेक्शन जो होता है विदाउट वायर्स उसके ऊपर में है फिर कॉमर्शियल्स एड्स क्या क्या प्ले होता है इंस्ट्रक्शन और एडुकेशनल जैसे फ़ॉर एग्जांपल uh, बहुत सारा इग्नू का भी बहुत सारा रेडियो में प्रोग्राम्स uh, आता है तो उसके बारे में फ़ॉर एग्जांपल आ सकता है ठीक है तो आप बोल सकते हो कि एडुकेशन प्रोग्राम्स भी बहुत सारा होता है लाइक दूरदर्शन का भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो टीवी में होता था वो आपका पहले रेडियो में हुआ करता था ठीक है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स अगर कोई पब्लिक सर्विस शायद ट्रेन एक्सीडेंट या एयर एक्सीडेंट हो गया तो रेडियो से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है तो ये सब चीज़ भी अनाउंसमेंट पी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को देख लीजिएगा ठीक है पी जो बोला जाता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट राइटिंग फॉर रेडियो अब ब्रॉडकास्टिंग डिमांड्स ऑन द ऑन द राइटर कि क्या क्या डिमांड है राइटर का ठीक है इसके बारे में पूछा गया है और गुड एंड बैड राइटिंग लाइक कैसे करके आपको लिखना है क्या चीज़ नहीं लिखना है बैड राइटिंग ठीक है रेडियो राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडियो स्क्रिप्टिंग एंड आर्ट ऑफ इमेजिनेशन तो कैसे करके रेडियो प्ले के बारे में बात करना है उसके बारे में साउंड इफेक्ट्स के बारे में बात करना है इसके बारे में देखिएगा फिर स्पोकन लैंग्वेज द साउंड ऑफ नॉर्मल स्पीच नॉर्मल स्पीच कैसे करके बोलना है इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करना है कि नहीं इसके बारे में है फिर कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्ट्रैक्शनस के बारे में बहुत सारे जन जानते होंगे आई एम गोइंग को आई uh, फिर एपस्टोपी एम गोइंग आई कोडेंट डू दैट यू डेंट टेल मी तो ठीक है सिंपल सेंटेंसेज इनकम्प्लीट सेंटेंसेज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जैसे uh, आपका कोई भी सेंटेंसेज आधा में ही कोई इंसान छोड़ दे या रेडियो में वो सब चीज़ नहीं यूज़ करना है सिंपल सेंटेंसेज यूज़ करना है डायलॉग एंड कैरेक्टर डायलॉग और कैरेक्टर जैसे uh, बहुत सारा uh, आपका हेमलेट शेक्सपियर्स का हेमलेट है फिर डायलॉग और कैरेक्टर के ऊपर में वो आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट का है यही चीज़ समझाया जा रहा है ठीक है अब नरेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आप देखिए डायलॉग और कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया था बहुत सारा प्रोग्राम्स भी होता है रेडियो में जैसे इसे सपोज संडे सस्पेंस है फिर बहुत सारा प्रोग्राम्स होता है जहाँ पर लोग आ, जो होता है प्रोग्राम्स बनाते हैं रेडियो में आज भी बहुत सारा प्रोग्राम्स बनता है शायद बहुत सारे लोग नहीं सुनते हैं बट uh, जैसे जैसे शेक्सपियर का मकबत है वैसे भूत स्केडी uh, स्टोरीज़ uh, ये सब चीज़ के बारे में भी बताया गया है तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो ये चीज़ अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कर सकिएगा क्योंकि देखिए हम लोग के पास एग्जैक्ट कोई पैटर्न नहीं है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपका असाइनमेंट पैटर्न है और जो आपका बुक है यही मेन चीज़ है अगर कोई पैटर्न रहता तो पहले ही हम लोग दे देते और फिर आता है नडेशन नडेशन प्लेज में जैसे नडेशन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन राइटर्स ओन कमेंट इसके ऊपर में है महाभारत ठीक है स्क्रिप्ट डिज़ाइन कैसे करके है नरेशन के पार्ट जो था फ़र्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन नरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है ज़्यादातर नरेट किया जाता है उस चीज़ को रेडियोज़ लैक ऑफ विजुअल्स एक रेडियो का एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे टी वी तरह हम लोग विजुअल्स नहीं देख सकते जस्ट ऑडियो ऑडियो विजुअल मीडियम है तो विजुअल मीडियम है ऑडियो और विजुअल तो क्योंकि उसमें ऑडियो सुना जाता है और विजुअल नहीं है तो ऑडियो मीडियम है बट टीवी आपका ऑडियो विजुअल मीडियम कहा जाता है ठीक है उसके साथ साथ साउंड इफेक्ट्स एफ एस एफ एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के लिए रेडियो स्क्रिप्ट जिसको कहता है साउंड इफेक्ट्स जो यूज़ किया जाता है एम्बियट साउंड जैसे मैंने बताया कोई भी चीज़ को कोई स्टोरी या कोई चीज़ को समझाने के लिए आ, या कोई चीज़ को आप मॉड्यूलेटर से अगर रेडियो का कुछ टर्म्स होता है लाइक अगर रेडियो जॉकीज जो, अगर आप जानते हो मॉड्यूलेटर सिंथेसाइजर बहुत सारा चीज़ है जिससे आपका जो रेडियो का है अगर आप सुने होंगे तो उसमें आपका साउंड अप आप डाउन होता है फिर आपका जो जो भी चीज़ को बोलना होता है या कन्वे करना होता है म्यूज़िक के बाद वो चीज़ वो समझाते हैं म्यूज़िक फ़ॉर रेडियो क्या होता है म्यूज़िक फ़ॉर रेडियो लाइक रेडियो में म्यूज़िक जैसे सुनते हैं आप ठीक है टू क्रिएट मूड बहुत सारे जन नया गाना भी रेडियो में आपको गाना सुनने को मिलेगा पुराने गाने आप सुनते होंगे और साथ साथ न्यू गाने भी अभी रेडियो में मिलता है तो आप समझ पा रहे हैं कि रेडियो का कितना इंपॉर्टेंस है आज भी ऑल दो अभी टी वी आ चुका है बट जैसे टी वी आ चुका है तो टी वी भी आ चुका है यहाँ पर तो टेलीविजन आ चुका है बट साथ, साथ में रेडियो का अभी भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो लोग सुनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया हैं फॉर द नॉट ओनली फॉर स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन बट एज़ अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट एज अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सारा चीज़ है उसमें टी तो एक आप सब जानते हैं कि टी क्या है बहुत ईजी चीज़ है ये वाला चीज़ कैरेट्रिस्टिक्स ऑफ अ टी वी टी वी में आपका जैसे मैं बोला ऑडियो विजुअल मोड है जहाँ ऑडियो भी है और विजुअल भी है यहाँ पर लोग देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ है सीरियल्स मूवीज़ आइडिया वर्सेज़ मीडिया अब मीडिया क्या है न्यूज़ भी आपको मिलता है बहुत सारा जिसको कॉमर्शली एड्स है ठीक है ये सब बहुत सारा ईजी चीज़ है जो इस कोर्स में दिया गया है उतना टफ नहीं है आप इसको समझ के बता सकते हैं जैसे मैंने बताया आइडिया वर्सेज मीडिया ऑडियो विजुअल मीडियम है और ये एक आइडिया है जो कि बहुत अच्छा है मतलब स्पेक्टेटर्स uh, लोग बहुत अच्छे से उसको देखते हैं एज कम्पेयर टू रेडियो बहुत सारे जन टी प्रेफर करते हैं तो इसके बारे में क्रिएटिवली uh, बहुत सारा चीज़ है ठीक है यहाँ पर देखिए फर्स्ट द आइडिया ऑफ द टॉपिक हैज़ टू बी कॉन्क्रीट क्या लिख रहे हैं या टीवी के लिए क्या लिख रहे हैं कंसल्ट और राइट स्क्रिप्ट ठीक है ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टीवी राइटिंग स्क्रिप्ट क्या है ये आपका इसके बारे में इंटरव्यू कैरेक्टर्स एंड ऑल ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ देख लीजिएगा फिर लैंग्वेज ऑफ टेलीविजन क्या होता है लाइक like, टेली प्लेज होता है फिर टी वी स्क्रीन में क्या रूम होता है टी वी स्क्रीन रूम होता है ठीक है टी वी में लिंग्विस्ट कैसे करके बात करते हैं ठीक है टी वी एंड इंटर अब टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स ये सब चीज़ टी वी में जो है आप देख सकते हैं कैमरा फोकस स्पीकर्स में कैसे करके कोई भी रिकॉर्डिंग में अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है कैसे करके चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है दिस इज़ द रियल ड्रामा इन द थिंग ठीक है स्क्रिप्ट राइटर अगर से सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ एक सीरियल हुआ या एक पर्टिकुलर मूवी हुआ तो कैसे करके उसका जूम इन करना है कौन सा चीज़ का है इसी के बारे में बताया गया है कि कैसे करके टीवी में उसको फॉर्मेट करके उसको दिखाना है और भी चीज़ को प्रोपागेट करना है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम तो टी का एंटरटेनमेंट भी है टी वी एंड एंटरटेनमेंट लाइक सीरियल्स हो सकता है मूवीज हो सकता है स्टार्स हो सकता है बहुत सारा चीज़ हो सकता है ठीक है टी वी एंड इंफॉर्मेशन लाइक न्यूज़ हो सकता है ठीक है न्यूज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस लाइक आज तक फिर आ, आ, और भी चैनल जैसे है इंडिया टुडे ठीक है एन डी ये सब चीज़ है फिर रिपब्लिक टी वी एंड एजुकेशन एजुकेशनल चैनल भी बहुत सारा है लाइक आपका किड्स के लिए कुछ एजुकेशनल चैनल है फिर बहुत सारा वुमेन के लिए भी बहुत सारा चैनल्स है जो कि एजुकेशन रिलेटेड है बहुत सारा एजुकेशनल चैनल है डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट हिस्ट्री टी ये सब चीज़ का क्विज डॉक्यूमेंट्री ठीक है जैसे डेरो कोवन कभी कभी क्विज भी लेते हैं तो आप ये चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे मैं बोला कि हम हर चीज़ को याद करना ही ज़रूरी है ये बात नहीं है ये पेपर ही है क्रिएटिव राइटिंग तो क्रिएटिव राइटिंग में आपको समझना है और उसको फॉर्मुलेट करना है इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू कैन थिंक एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है फॉर्मेट्स ऑफ टी वी स्क्रिप्ट अब यहाँ पर नरेशन है ठीक है एक नरेशन टाइप का होता है फिर विजुअल्स है जो कि विजुअल आ, पिक जो कि होता है ठीक है पीआईसी और साउंड इफेक्ट्स मतलब जो एस एस एफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जैसे रेडियो में भी ये एस एफ था तो इफेक्ट्स एस एफएक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये चीज़ देख लीजिएगा एक टेबल दिया गया है ठीक है अब टी वी एड्स टी वी एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव में क्योंकि यहाँ पर श्योर शॉर्ट टी वी एड्स का आने का चांसेज है आपको बोल सकता है कि स्ट्रक्चरिंग टी वी एड क्या है ये बी जी जी वन सेवेंटी वन कोर्स में भी है देखिए ये सारा कोर्स को ना एमलगेमेट किया गया है मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो आपका बी जी जी वन सेवेंटी वन कोर्स है उसका जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक आया है उसमें आप देखिएगा कि थर्टी सेकेंड ऐड का एक क्वेश्चन पूछा गया है तो एक आपको पूछ सकता है कि स्टोरी लाइन वन क्या है जिसे एक आइडियाज है वन शॉट ओनली थर्टी सेकेंड्स का तो आप देख लीजिएगा बी जी जी वन सेवेंटी वन का लास्ट सेक्शन बी में स्पेशली ये पेपर्स है ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो स्टोरी लाइन वन स्टोरी लाइन टू स्टोरी लाइन थ्री अगर कॉफ़ी का अ, अगर एडवर्टीजमेंट हुआ या टोबैको का एडवर्टीजमेंट हुआ ठीक है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट फिर से पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट पी जो होता है कोई भी अनाउंसमेंट करना होता है पब्लिक का ठीक है Uh, कोई भी पोस्टमैन uh, का या कोई भी चीज़ का है कोई भी अनाउंसमेंट कोई भी चीज़ का अनाउंसमेंट अगर कोई चीज़ को इंपॉर्टेंट चीज़ है अनाउंसमेंट का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ को इन्फॉर्म करना होता है ठीक है तो से सपोज़ uh, कोई मनी ऑर्डर है या कोई चीज़ का तो एक पर्टिकुलर चीज़ को अनाउंसमेंट करने के लिए ही ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट बोला जाता है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बट आप देख लीजिएगा कि पी क्या है कि पी एक पर्टिकुलर चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए या स्क्रीन प्ले करने के लिए ऐड के टाइम में ये बताया जाता है ठीक है टी वी राइटिंग फॉर चिल्ड्रन अब टी वी राइटिंग फ़ॉर चिल्ड्रन लाइक किड्स का जैसे आ, आपका जैसे यंग एडल्ट है तो उन लोग के लिए कुछ ऐसे मॉडल टाइप का स्टोरीज जैसे फॉक्स फिर ऑजवर्ल्ड ऐसे टाइप का जैसे एक कार्टून टाइप का होता है क्या क्या चीज़ वो देख सकते हैं क्या क्या चीज़ नहीं देख सकते हैं एक मॉडल टाइप का स्टोरी होता है ठीक है टी वी राइटिंग के लिए लास्ट स्मॉल चिल्ड्रेन लव रेपेशन तो एक एज लव टू रीड द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर तो सिंग सेम सॉन्ग तो जैसे आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे लोग जैसे कार्टून देखते हैं वैसे ही टाइप का तो उसके बारे में एक चीज़ आप बता सकते हो प्रिपेयरिंग द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को कैसे करके प्रिपेयर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करके स्क्रिप्ट राइटर एक टीवी के लिए अच्छा होता है लाइक अ गुड राइटर स्क्रिप्ट राइटर इज एबल टू विजुअलाइज क्रिएटिवली क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो कैसे करके वो दिखाएगा वो मीडियम से वो कैसे करके वो समझा पाएगा फिर राइट फॉर द ईयर मतलब वो सुनने के लिए भी है ठीक है राइट फॉर द ईयर जो ऐसा कुछ बोलिए जिससे आपका जो मीडियम का लोग है वो सुन पाएंगे ठीक है जैसे टी वी राइटर का होता है फोकस अटेंशन मतलब क्या चीज़ में आपको अटेंशन देना है उसके बारे में कैसे करके आपको अटेंशन ग्रैप करना है और काउंटर पॉइंट विजुअल्स मतलब एक विजुअल्स के बारे में काउंटर पॉइंट आपको करना है नेवर टॉक डाउन टू अ चाइल्ड अब ये सब चीज़ क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग आपको ऐसे करके डिमोटिवेट नहीं करना है या उसको स्कोल्ड नहीं करना है कीप इट सिंपल अटेंशन स्पैन प्रोडक्शन एलिमेंट्स ये सब चीज़ को क्या करना है कि आपको एकदम सिंपल वे में उसको अटेंशन को ग्रैब करना है और देखना है कि थोड़ा लंबा ना हो या बहुत डेंस ना हो ठीक है Uh, uh, कोई भी चीज़ को वो स्विच ऑफ ना करे टीवी देखते देखते या कोई ऐसा कुछ हो जो स्क्रिप्ट ऐसा हो जो इंटरेस्टिंग हो ठीक है प्रोडक्शन एलिमेंट्स क्या है फिर कल्चरल स्पेसिफिटी अवॉइड मेटाफर्स ह्यूमर्स रहना चाहिए ठीक है तो ऐसा कुछ है जो डेंस ना हो आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई चिल्ड्रेन के लिए कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होगा और एक अडल्ट के लिए जो स्क्रिप्ट होगा वो बहुत डिफरेंट है आप समझ पा रहे हैं कि जो टी वी सीरील्स होते हैं ऐसे सपोज़ एनी आ, अगर कोई वेब सीरीज़ देखता है या ये देखता है उसमें बहुत सारा चीज़ डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू द कार्टून ऑफ़ कार्टून या चैनल्स जो आपका प्रोग्राम्स होता है चिल्ड्रन के लिए वो टाइम आपका ह्यूमर होता है बहुत ही सिंपल होता है बहुत ही चाइल्डिश होता है ठीक है आप समझ पा रहे हैं कि कैसा टाइप का सीरील्स होता है तो समिंग आप यही है फिर अंडरस्टैंडिंग न्यू मीडिया अब न्यू मीडिया में क्या क्या आता है ओल्ड मीडिया में तो आपका आ गया रेडियो ये सब चीज़ है अब आ, मीडिया का मतलब यही है कि आपका कोई चीज़ को कन्वे करना है तो मीडिया एक ऐसा प्रोपागेट मीडियम है मीडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड मीडियम तो मीडियम से ये आ, वर्ड आता है और मीडिया का मतलब यही है टू मीडिएट अब ये सब वर्ड्स आपका कनेक्शन आपको कनेक्ट करना है टू मीडिएट ठीक है तो व्हाट इज़ न्यू मीडिया न्यू मीडिया में जैसे आता है आपका फेसबुक आ गया ठीक है फेसबुक uh, आ गया फिर इलेक्ट्रॉनिक uh, मीडिया आ गया ऑनलाइन न्यूज़ आ गया ब्लॉगर ऐप बहुत सारा जैसे इन शॉर्ट्स ठीक है ये सब न्यू न्यू एप्स है जो कि आपका न्यू uh, है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मीडिया अब ओल्ड मीडिया में क्या था मेन्यू ऑफ न्यूज़ ठीक है करंट अफेयर्स और इंटरटेनमेंट मतलब ओल्ड मीडिया में बहुत ही आपका जो होता था बहुत लंबा प्रोसेस होता था ठीक है uh, अभी तो प्रिंट मीडिया आ गया है जो कि प्रिंटेड वे में बहुत सारा आर्टिकल्स में आ चुका है ठीक है अभी तो प, जैसे पहले क्या था तीन मीडियम था प्रिंट टेलीविजन और रेडियो अभी के लिए बहुत सारा चीज़ न्यू मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया इन हो गया ठीक है बहुत सारा न्यू मीडियम आ आ चुका है लिंकड लिंक्डइन हो गया ठीक है हाउ प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन आर लर्निंग टू अ तो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे करके उसको Uh, कोशिश कर रहे हैं कि उसको अडाप्ट कर पाए जैसे डिजिटल uh, जर्नलिज्म हो गया डिजिटली जैसे मैंने बताया इन शॉर्ट्स का कोई चीज़ हुआ तो आप एक चीज़ को एग्ज़ैम्पल दे सकते हैं जैसे मैंने हमेशा से अपने कोर्सेज में मैंने समझाया है कि जब भी आप कोई चीज़ को समझाओगे तो एग्ज़ैम्पल देने की को कोशिश करो आप उस चीज़ को क्रिएटिवली उसको समझो और उसको एग्ज़ैम्पल देने का ज़रूर से ज़रूर कोशिश करो क्योंकि एनी गिवन वर्ड कैन बी गिवन और एक्सप्लेन थ्रू एग्ज़ैम्पल्स एज़ वेल नॉट एवरी थिंग कैन बी जस्ट रिटर्न इन वर्ड्स यू कैन प्रोवाइड योर क्रिएटिव एस्पेक्ट थ्रू एग्जाम्पल्स थ्रू एनी मोर आइडियाज़ एज वेल ठीक है जो आप जानते हो शायद ये सब चीज़ आप जानते हो जस्ट वर्ड्स में लिखा हो गया है और ये आप चीज़ को थोड़ा सा ना टफ समझ रहे हो बट ये टफ़ नहीं है ये कोर्स ठीक है मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से मैं ब्रेकडाउन कर पाऊँ ऑल दो मेरे पास बहुत कम टाइम था सारे चीज़ को बैक टू बैक में क्लासेज दे रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो कि मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है लो कमिंग डाउन बैक अगेन तो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पर प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारा प्रिंट आपका प्रिंट ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर रहे हैं इस ओल्ड मीडिया से न्यू मीडिया तक जैसे शॉर्ट्स जैसे मैंने बताया इन शॉर्ट्स का है सिक्सटी लाइन्स में या सिक्सटी सेकेंड में अभी न्यूज़ होता है ठीक है व्हाट इज़ न्यू मीडिया स्टोरी टेलिंग इमर्जेंस ऑफ यूट्यूब जैसे यूट्यूब का भी जो है यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कितना कुछ जान सकते हैं लाइक यू कैन मेक वीडियोज़ एंड एवरी एंड ऑल दैट हाउ न्यू मीडिया हैज़ ओपन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत सारा चीज़ है जैसे इमरजेंस ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि डिजिटल जर्नलिज्म क्या है बहुत सारे फ्री हो गए हैं बहुत सारा विंडो प्लेटफॉर्म हो चुका है न्यूज़ के रिलेटेड ठीक है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट तो प्रिंट मीडिया क्या है प्रिंट आपका से सपोज आपका कोई भी इन शॉर्ट्स या कोई भी चीज प्रिंटेड मोड में है और ब्रॉडकास्ट मीडियम आपका कुछ ऐसा है जो कि आपका इन एयर शायद वो रेडियो के मीडियम में या कोई भी आ, सुनने के मीडियम में है ठीक है तो ब्रॉडकास्टेड मीडियम वैसा टाइप का हुआ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर आउटलाइन मीडिया ब्रेविटी एंड रिसर्च ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट ठीक है ब्रेविटी एंड रिसर्च कोई भी चीज़ आपको पूरा अच्छे से विथ ब्रेविटी जो बोलता है ना विथ ईमानदारी और रिसर्च से पूरा अच्छे से उसको देखना है कि बिटवीन 800 हंड्रेड टू फोर टू एट वर्ड्स ठीक है तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा फिर फोकस ऑन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा उसका फोकस क्या है ठीक है क्या चीज़ आप लिख रहे हो या क्या स्टोरी आप कन्वे करना चाहते हो फिर लिस्टिकल्स लिस्टिकल क्या है अलिस्टिकल इज़ बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट यूजेज अ लिस्ट एज इट्स थीमेटिक स्ट्रक्चर मतलब एक लिस्ट के टाइप में होता है से सपोज़ कोई चीज़ को आप लिस्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज़ इट ठीक है लिस्टिकल्स आर जनरली लिस्ट अबाउट अ टॉपिक जैसे शार्प बुलेटेड पॉइंट्स कोई चीज़ को आप लिस्टिकल्स uh, में लाइक like, लिस्ट में आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो लिंक्स एंड इंटरेक्टिव ऑप्शन लाइक कोई लिंक आप कोई चीज़ में दे रहे हो से सपोज हाइपर लिंक आप क्रिएट करते हो कोई इन्फॉर्मेशन में से सपोज़ विकीपीडिया में कोई अगर लिंक कर, करता है तो हाइपर लिंक होता है उसमें क्लिक कीजिएगा तो और एक आपका पेज खुल जाएगा ठीक है हेडलाइंस एंड कीवर्ड्स तो आप जब एक पर्टिकुलर चीज़ को लिख रहे हो तो उसका हेडलाइंस होगा उसका कीवर्ड्स होगा ठीक है समझा पा रहे हैं हम और पंक् पंक्चुएशन एंड स्पेल चेक उसका पंक्चुएशन और स्पेल चेक आपको देखना पड़ेगा कि जब भी कोई रीड कर रहा है या सुन रहा है या कोई भी चीज उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो जैसे गलत ना हो इसी के बारे में ग्रामर्स कंप्यूटर्स में कहीं पर भी आप एंटर कर रहे हैं तो वो आपका इंपॉर्टेंट होगा विजुअल एनहैसमेंट री एंड एडिटिंग आपका विजुअल कैसे करके अच्छे से आप इनहस कर पाओगे ठीक है रीराइट करना है और एडिटिंग करना है रीराइट मतलब क्यों रीराइट करना है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आप शायद एक्स्ट्रा कर लिए या थोड़ा कम करना है ठीक है एडिट करके उसको बेटर करना है कौन सा लैंग्वेज लिखने से उसका और आपका ऑडियंस या जो आपका रीडर है वो और अच्छे से समझ पाए तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है और अबाउट अ गेम ऑफ क्रिकेट विदाउट फोटोग्राफ्स और आईकोनिक मोमेंट्स uh, तो विजुअल्स के हिसाब से आप उसको प्रेजेंट करो उसको मोर कैची प्रेजेंट करो क्योंकि जस्ट रिटर्न मीडिया में नहीं होता है कभी कभी आपको कुछ ऐसा पिक्चर्स देना होता है आप अगर मीडिया का कोई भी न्यूज़ देखोगे तो एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आई कैचिंग होता है अगर आप न्यूज़ पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा लाइक स्पोर्ट्स न्यूज़ बोलिए या कोई भी न्यूज़ बोलिए ठीक है हाइपर लिंक जैसे क्रिएट uh, होता था यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा uh, चीज़ भी है आप uh, ये भी देख लीजिएगा की जो है यूनिट फोर राइटिंग फॉर न्यू मीडिया अब राइटिंग फॉर न्यू मीडिया क्या है राइटिंग फॉर न्यू मीडिया लाइक इंटरनेट है ब्लॉगर है और भी चीज़ है राइटिंग ब्लॉग्स जैसे मैंने बोला ब्लॉगर है अब ब्लॉग्स क्या है ब्लॉग्स एक पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक के ऊपर में है आप लिख सकते हो लाइक like मैरिज है जैसे सपोज ब्लॉगर ऐप में आप शायद मैरिज के बारे में लिख रहे हो लव के बारे में लिख रहे हो कोई चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो ब्लॉगर है ठीक है एक ब्लॉगर एक टाइप का आप बोल सकते हो डायरी स्टाइल एंट्री टाइप का है जस्ट अ सिंपल डायरी स्टाइल एंट्री जहाँ पर आप पब्लिशिंग टूल्स मिलता है आपको और जैसे ब्लॉगर ऐप भी एक है ठीक है तो ब्लॉग्स क्या होता है ब्लॉग्स होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप क्या फील करते हो उसके बारे में आपको लिखना है ठीक है तो इसके बारे में ब्लॉगर एक आ सकता है ब्लॉग कंपनी का ब्लॉग आता है बिजनेस ब्लॉग्स फिर बिज़नेस के बारे में आपको जो ब्लॉग्स है ठीक है उसका पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचता है उसके बारे में है तो एक ब्लॉग आ सकता है अनसीन पैसे जा सकता है तो आप देख लीजिएगा ब्लॉग्स कैसा टाइप का होता है और कैसे लिखना है तो यहाँ पर ब्लॉग का राइटिंग का क्या क्लासिक गाइडलाइंस है क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग का एस्पेक्ट है सारा चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कुछ कुछ अनसीन रहेगा ठीक है तो ब्लॉग्स के बारे में आपको समझना है कि कैसे करके आप ब्लॉग्स दे सकते हो एक पर्टिकुलर टॉप